क्वेश्चन है कि लोड ऑफ 31.4 kg, तो अगर आपको मास गिवन है केजी में, तो आप जी से मल्टीप्लाई करके पहले वेट निकालेंगे कि फोर्स क्या है. एम जी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर, एक वायर से आपने एक मास को टांग दिया. अब वो कह रहा है रेडियस, क्रॉस सेक्शन रेडियस आपको वायर का पता है, तो क्रॉस सेक्शन रेडियस आर की वैल्यू पता है, तो समझो एरिया भी पता है पाई आर स्क्वायर, आपको डेंसिटी भी पता है. फाइंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वायर. अब हुआ क्या, जब आपने वेट को लगाया वायर लंबी हो गई. अगर आप ध्यान से कभी नोट करें, आप कॉपर की वायर को ना गोलमोल गोलमोल मरोड़ना शुरू कर दें, आप ये देखेंगे वो वायर ना गर्म हो जाएगी. तो जब आप स्ट्रेच करते हैं किसी वायर को, वो वायर गर्म हो जाती है. तो बेसिकली कुछ जो वर्क डन है वो खींचने में लगा, और कुछ वर्क डन किस में लगा, हीट में चला गया, उसको गर्म करने में चला गया. तो वो कह रहे हैं कि फाइंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वायर, आपको बताना है टेम्परेचर कितना राइज हुआ. अगर 75% ऑफ वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट, तो 75% जो है वर्क डन जो मैंने किया वो हीट में कन्वर्ट हो गया. और आपको यंग मॉडल्स और स्पेसिफिक हीट दोनों पता है. जब भी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर निकालने हैं, हम आने वाले टाइम में करेंगे भी, तो हीट का फॉर्मूला होता है एम सी डेल्टा टी, आपने सुना भी हो एम सी डेल्टा टी. तो इसके अंदर मैंने कितना वर्क डन किया वायर को खींचने के लिए, हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल. फोर्स मेरे को पता है वेट एम जी, एम को जी से मल्टीप्लाई करेंगे ये मुझे पता है, मुझे डेल्टा एल नहीं पता. तो मैं क्या करूँगा, मैं यंग मॉडल्स का फॉर्मूला लगाऊंगा एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, यहाँ से एफ की जगह एम जी पुट करूंगा, एरिया क्रॉस सेक्शन का पाई आर स्क्वायर पुट करूंगा, डेल्टा एल को एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, तो ये डेल्टा एल निकालूंगा. फिर मैं एनर्जी या वर्क डन के अंदर हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल में डेल्टा एल की वैल्यू पूरी पुट कर दूंगा, ये मेरे पास क्या आ गया, यू अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया. पर क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि जो भी आपने वर्क डन किया उसका 75% किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया. तो हीट में क्या कन्वर्ट हुआ, 75% ऑफ जितना आपने वर्क डन किया, कितना किया, इतना किया, यू की जगह वैल्यू पुट कर दो, इज एम सी डेल्टा टी. एम से एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से स्क्वेयरिंग करने पर. आपको इस क्वेश्चन में जी पता है, आर पता है, वाई पता है, सी पता है. इस क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू है, वो क्वेश्चन हुआ नहीं होगा क्योंकि आपको एल मिसिंग है. आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर भी क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, मुझे पता नहीं कि उस ऑब्जेक्टिव में कैपिटल एल है कि नहीं, पर मेरे क्वेश्चन में कैपिटल एल मिसिंग है. पर अगर ये सारी वैल्यूज आपको गिवन हो, तो एटलीस्ट आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा थीटा निकाल सकते हो या डेल्टा टी निकाल सकते हो. तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि राइजिंग टेम्परेचर कैसे निकलेगा, कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है. तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का अगर आएगा तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए. ये हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम कर लिया था, इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया था, यंग्स मॉडल्स ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी. ये भी ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसा क्वेश्चन है, क्या होता है, इनफाइनाइट. रीजन, एक रिजिड बॉडी अपनी शेप चेंज नहीं करती, बिल्कुल स्ट्रांग बॉडी है वो, कोई इलास्टिक नहीं, कुछ नहीं है. यंग्स मॉडल्स क्या होता है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल. रिजिड बॉडी में कोई चेंज ऑफ लेंथ नहीं होती, तो डिनोमिनेटर जीरो है, तो वाई क्या आएगा, इनफाइनाइट. तो रिजिड बॉडी का वाई क्या होता है, इनफाइनाइट. उसी तरीके से जो बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस बी या के जो भी लगाना है, जिसका ये फॉर्मूला होता है, ये रहा फॉर्मूला. बल्क मॉडुलस रिजिड बॉडी में डेल्टा वी भी जीरो होता है, डेल्टा एल भी नहीं होता, डेल्टा वी भी नहीं होता. तो फिर से एक बार वैल्यू क्या आएगी बल्क मॉडुलस की, इन्फिनिटी. तो ये दो फैक्ट याद रखने. शेयर मॉडुलस लिक्विड का जीरो होता है, लिक्विड बेंड थोड़ी ना होते हैं थीटा एंगल पे, सॉलिड होते हैं, लिक्विड थोड़ी ना होते हैं, तो लिक्विड्स का और गैसेस का शेयर मॉडुलस होता ही नहीं, जीरो. ये आपने याद रखना है, यहाँ तक सबको क्लियर है. तो अब एक काम करते हैं, आपकी उस शीट पे चलते हैं, सब्जेक्टिव शीट जो होमवर्क थी. तो आप पहले सब्जेक्टिव शीट ओपन करें, जेरी इसके डाउट पूछें. शीट नंबर 52, किस क्वेश्चन में डाउट है, 1, 2, 3, 4, 5. हो गई, आंसर आ रहे हैं इसके, सर क्वेश्चन नंबर 13. ओके रुक जाओ एक मिनट, 8 तक. 9th में क्या किया, 9th में याद रखना स्ट्रेस ऑफ 1 kg/mm². पहली बात तो mm नहीं kg है, तो kg के साथ मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10^-3 meter. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस के यूनिट क्या होते हैं, फोर्स बाय एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
और यहां पर क्या है केजी पर मीटर स्क्वायर, गलत। तो आपको न्यूटन बनाने के लिए एम को जी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब ये क्वेश्चन सही आंसर देगा। अगर आपने एज इट इज स्ट्रेस पुट कर दिया, आपका आंसर गलत आएगा इसमें। तो आपको स्ट्रेस को पहले न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। तो फिर उसके बाद क्या निकालना है, वाई स्ट्रेस बाय डेल्टा एल बाय एल, आपको फ्रैक्शन चेंज इन लेंथ निकालनी है, अब आंसर सही आएगा। तो पॉइंट हमको समझ में आ रहा है कि क्या क्या इसमें ट्रिक है करने वाला, कितने का हो गया था ये, हो गया ठीक है, क्लिक हो गया था ये स्ट्रेस को चेंज करना है। इसके अलावा नाइन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर टेंथ में डाउट, टेंथ हो गया, कितनों का हो गया, इसमें करना क्या है, वो ये कह रहा है टू एग्जैक्टली सिमिलर वायर्स, यानी कि एल की वैल्यू दोनों की सेम, एंड एक स्टील की और एक कॉपर की, स्ट्रेच्ड बाय इक्वल फोर्सेस, एफ की वैल्यू भी सेम। इफ द टोटल इलोंगेशन इज 1 सेंटीमीटर, एक स्टील है और एक कॉपर है, दोनों को खींच दिया तो दोनों का एक्सटेंशन यानी कि स्टील और कॉपर की इंक्रीज इन लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर है, आपको बताना है कि हाउ मच इन इज ईच वायर इलोंगेटेड। तो इंडिविजुअली बताना है कि डेल्टा एल स्टील का क्या होगा और इंडिविजुअली अलग से डेल्टा एल कॉपर का क्या होगा। इसके लिए आप एक काम करेंगे, पहले स्टील का यंग मॉडुलस लगाएंगे, फिर आप कॉपर का यंग मॉडुलस लगाएंगे, फोर्स दोनों में सेम रखेंगे, उसने बोला फोर्स सेम लेना है, लेंथ सेम लेनी है, एरिया भी सेम लेना है, इन्हें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके रेशियो आ गई। आपको दोनों के यंग मॉडुलस गिवन है, तो आप दोनों का डेल्टा एल की रेशियो निकाल लेंगे। अब तुम्हारे पास इसका सम है, इस टर्म की रेशियो है, इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को सॉल्व करके डेल्टा एल स्टील का भी आ जाएगा और कॉपर का भी आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है यहाँ तक, तो कैसे करना है बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट, 14 तो हमने कर लिया था, 15 भी हमने कर लिया था, ठीक।